नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब का चैनल जिस पे हम बात करते हैं पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी और आपसे जुड़े हुए मामलों पर। बात करेंगे आज हम छोटी उंगली के बारे में कि जो आपकी छोटी उंगली होती है वो भी बड़े कमाल के राज आपको बताती है और ऐसी ऐसी बातें आपको बताती है जो शायद आप एक टाइम में शायद जानते भी ना हो। तो कोशिश करेंगे आज उन सभी को जानने की। बहुत लंबा वीडियो तो नहीं होगा, एक शॉर्ट वीडियो होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमेशा की तरह अपनी मार्किंग करते हैं। ये हमारी सबसे छोटी उंगली है। देखिए, ये उंगली जितनी बड़ी होगी, जितनी लंबी होगी, मींस लंबी से मतलब ये है कि ये अगर इसके नाखून के बराबर तक आती है, मतलब यहाँ तक, इस एरिया तक अगर आपको आती है, तो ऐसे जो व्यक्ति होंगे वो अच्छे डिसीजन मेकर होंगे, साथ ही साथ उनके अंदर लीडरशिप की जो क्वालिटी होगी वो काफ़ी उनके अंदर अच्छी होगी। प्रायः मैंने ऐसी उंगली देखी है जो लोग बहुत हाई लेवल की जॉब्स करते हैं, जैसे जो आईएएस पीसीएस जो जो होते हैं, क्योंकि मेरे पास विवेचन करने के लिए काफ़ी लोगों के एनालिसिस आते हैं, तो मैंने देखा कि जो लोग हाई पोस्ट पे तैयारी करते हैं या हैं, उनके हाथों में मैंने देखा कि उनका जो छोटी उंगली थी वो फर्स्ट इंडेक्स फिंगर की जो फर्स्ट उंगली थी उस पे वहाँ तक वो पहुँच रही थी। मतलब कहने का यह है कि जो हमारी छोटी उंगली थी वो हमारे फर्स्ट फिंगर के नाखून तक पहुँच रही थी, मतलब वो इतनी लंबी थी। तो ये जितनी लंबी होगी उतना आपके लिए बेटर रहेगा, आप अच्छा जो है एक निर्णय लेने वाले होंगे, एक प्रशासक होंगे, एक लीडर होंगे, और लीडर के साथ आप निडर भी होंगे, और आपको और इतने ज़्यादा आकर्षक होंगे आप कि अगर आप किसी से मिलते हैं तो वो आपको भीड़ में भी पहचान सकता है। इसके साथ साथ एक इंडिकेशन और भी होती है दोस्तों कि जैसे आपका ये आपकी उंगली है, ये आपका उंगली है और इसमें नाखून, ये आपका नाखून है और इसमें अगर आपका अर्धचंद्र इस तरह से बन रहा है, ये वाइट है और ये आपका पिंक है, तो ये इंडिकेशन भी आपकी काफ़ी अच्छी मानी गई है। अगर आधा चांद आपके नाखून पर बन रहा है, वैसे तो ये जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है वैसे वैसे ये चेंज होता जाता है, लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छा इंडिकेशन आपका रहता है जिसमें आपको ये पता चलता है कि हाँ आपके साथ कुछ शुभ कार्य आपका होने वाला है। इसके साथ साथ दोस्तों, अगर आपका जो बुध पर्वत है, छोटी उंगली जो हमारी है, अगर ये आपका बुध पर्वत है, यहाँ हमारी मैरिज लाइन्स होती हैं, अगर हमारा बुध पर्वत है और बुध पर्वत हमारा काफ़ी अच्छा विकसित है और साथ ही साथ उसका जुपिटर भी अच्छी पोजिशन में है, और अगर सन भी है तो खैर क्या ही कहने, लेकिन अगर मैं सिर्फ दो की बात करूं, बुध की और अगर मैं जुपिटर की अगर मैं बात करूं, अगर दोनों ही अच्छी कंडीशन में है, कुपित नहीं है, मतलब वीक नहीं है, तो ऐसे जो लोग होते हैं वो कम्युनिकेशन लेवल्स में बहुत अच्छे होते हैं। कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होती है, अपनी बात को बहुत प्रभावी ढंग से यानी पॉजिटिव वे में आपके सामने रखते हैं और इस तरह से रखते हैं कि आपको मानना पड़ता है, मानना पड़ता है, क्योंकि उनका वे ऑफ टॉकिंग इतना अच्छा होता है कि मैं मतलब एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। काफ़ी अच्छे से वो बोलते हैं। ज़्यादातर ऐसे लोग आपको न्यूज़ रीडर मिलेंगे, ऐसे लोग आपको रेडियो पे काम करते हुए मिलेंगे, मतलब वे ऑफ कम्युनिकेशन बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार उनका आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ अगर दोस्तों यहाँ पर एक कोई बुध की रेखा आपको दिख रही है, सिंगल लाइन आपको दिख रही है, तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत ही ज़्यादा ग्रास्पिंग पावर उनकी जो होती है वो बहुत ज़बरदस्त होती है, इंट्यूटिव भी होते हैं, साथ ही साथ चीज़ों को एनालाइज करना बहुत अच्छे से करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि ये जो बुध की रेखा है अगर आपके हाथ में है और आपका बुध भी अगर ठीक है तो ये बहुत अच्छा काम करती है, लेकिन अगर ये बुध की रेखा है और बुध आपका जो है स्ट्रांग नहीं है तो वहाँ पर रिजल्ट थोड़े 19-20 आपको देखने को मिलते हैं। ऐसे केस में क्या होता है कि जब ऐसी बुध की रेखा आपके हाथ में होती है तो आपसे थोड़ा परिश्रम करवाती है ये, लेकिन आपको कहीं ना कहीं नेम और फेम आपको देती ज़रूर है। तो दोस्तों, ये आज हमारी एक छोटी सी वीडियो थी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो शेयर कीजिए अपने सोशल नेटवर्किंग साइट पे, और अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं या कहूँ मेरी टीम से कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप 9411848508
9999-666-3825-3, इन पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरे आप सभी से निवेदन है कि इन पर कॉल मत कीजिएगा, क्योंकि नंबर दोनों ही बंद रहते हैं। जितने भी एनालिसिस हम लोग करते हैं वो सारे एनालिसिस हमारे पेड होते हैं। इसके अलावा आप patnagarabhi2411@gmail.com पर भी मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, और मेरी वेबसाइट ज़रूर देखिएगा दोस्तों। वेबसाइट पर आपको यथासंभव अपडेट मिलते रहते हैं और काफ़ी काफ़ी चीज़ें आपको हम बताते रहते हैं। दोस्तों देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहिए।